क्लास सिक्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है ए टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। मंडे को एक टैक्सी ड्राइवर ने अपने कार के पेट्रोल टैंक में 40 लीटर पेट्रोल डाला। नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगले दिन उसने कितना पेट्रोल डाला अपनी कार में? 50 लीटर 50 लीटर। इफ द पेट्रोल कॉस्ट रुपीज 44 पर लीटर, अगर एक लीटर पेट्रोल की कीमत है 44 रुपए, तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। तो उसने कुल कितना पेट्रोल पर पैसा खर्च किया? तो हम लिखेंगे, देखिए, पेट्रोल बॉट ऑन मंडे 40 लीटर्स, ऐसे ही पेट्रोल बॉट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को उसने लिया 50 लीटर्स। ठीक है बच्चों, तो देखो एक लीटर 40 रुपए का है, तो 40 लीटर कितने का होगा? 40 लीटर मनी स्पेंट बराबर, पहले दिन उसने लिया 40 लीटर पेट्रोल 44 रुपए के हिसाब से, ट्यूसडे को उसने लिया 50 लीटर पेट्रोल 44 रुपए के हिसाब से। ठीक है बच्चों, अच्छा यहां पे रुपीस लिख लेते हैं साथ में। देखो ध्यान से, ये है पेट्रोल का प्राइस, ये है पेट्रोल की कीमत, ठीक है, ये है पेट्रोल, कितना पेट्रोल लिया, सॉरी, ओके। तो अब देखो ध्यान से, अगर इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है तो देखो आप ध्यान से कि ये ब्रैकेट बन गई, ये ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेटों में 44 यहां भी है 44 यहां भी है, रुपीज साथ में आएगा, 44 इन दोनों ब्रैकेटों से कॉमन ले लो, ठीक है, 44 इनसे बाहर कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 40 प्लस, इन दोनों में से 44 बाहर कॉमन ले चुके हैं हम, बाकी बच गया 50। ये आ गया 44 इंटू 40 में 50 प्लस कर दिया तो आ गया 90 रुपीज। एक जीरो है तो पीछे जीरो लगा देंगे, बाकी 9 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 4 = 36 आंसर आया 3, 9 × 36 और 3 = 39 3960। इसका मतलब उसने दो दिनों में जो पेट्रोल खरीदा उस पर उसने कितने पैसे खर्च किए? 3960 रुपए। तो आप लिख दो मनी स्पेंट ऑन पेट्रोल इक्वल्स रुपीज 3960। ठीक है बच्चों, एक दिन 40 लीटर लिया, अगले दिन 50 लीटर लिया, दोनों की कीमत 44 के हिसाब से इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इनमें से 44 को कॉमन ले लिया, आगे हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आइए एक और प्रश्न हम देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। ए वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग, 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। सुबह एक वेंडर जो है, दूध बेचने वाला जो है, वो 32 लीटर दूध देता है होटल को सुबह और 68 लीटर मिल्क देता है शाम को। तो हम लिखते हैं मिल्क गिवन इन मॉर्निंग कितना दिया? 32 लीटर, ये 32 है बेटा, मैं इसको काट के दोबारा लिख देता हूं, 32। और मिल्क गिवन इन इवनिंग शाम को 68 लीटर, ठीक है, हाउ मच मनी, मनी ड्यू रुपीज में होगा। अब देखो पहले है 32 लीटर, उसकी कॉस्ट है 45 रुपए के हिसाब से, 32 लीटर 45 के हिसाब से सुबह
और शाम को 68 लीटर फिर 45 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 68 लीटर 45 लीटर 45 रुपए एक लीटर की कॉस्ट है, तो 68 को 45 से गुना कर देंगे। इन दोनों ब्रैकेट्स में फिर से देखो रुपीस तो है ही है, इन दोनों ब्रैकेट्स में आप देखोगे 45 यहां भी है 45 यहां भी है, 45 को ले लिया कॉमन, तो इस ब्रैकेट से 45 कॉमन ले लिया, बाकी बच गया है 32, इस ब्रैकेट से 45 को कॉमन ले लिया तो बाकी बच गया 68, तो ये आ गया रुपीज 45 मल्टीप्लाइड बाय 32 प्लस 68, 8 और 2 10, हासिल आया 1, 3 और 1 4 और 6 10, तो ये आ गया रुपीज 45 को 100 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 4500, ठीक है, ओके बेटा। और अब उन्होंने पूछा था मनी ड्यू पर डे, रोज कितने कितना मनी वेंडर का पेंडिंग हो जाएगा मनी ड्यू एक दिन में, तो एक दिन में वो सुबह और शाम दो बार दूध देता है और कितने रुपीस 4500 उसके ड्यू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से आप समझिए और अपनी नोटबुक्स में कर सकते हैं आप। थैंक यू।